आपके अपने चैनल मसालों के चटकारे में आप सभी का वेलकम है। आज मैं आप सभी के लिए लाई गोंद और ड्राई फ्रूट्स के सूखे हलवे की रेसिपी, जो अक्सर लोग सर्दियों में खाना पसंद करते हैं, जो हड्डियों और जोड़ों के दर्द को दूर करता है, जो कैल्शियम से भरपूर है और दिमाग को तेज करता है। ये जो मैं लड्डू में डालने जा रही हूँ, ये है पिस्ता 50 ग्राम, गोंद 100 ग्राम, काजू 50 ग्राम और किशमिश 50 ग्राम, 50 ग्राम के करीब खरबूजे का बीज और ये है अखरोट 50 ग्राम, गरी का बुरादा है करीब 50 ग्राम, ये है बादाम 50 ग्राम के करीब, 50 ग्राम करीब ये मखाने का लावा है और ये सोंठ और छोटी इलायची का बुरादा, ये है चीनी जो आखिर में मैं मेवे में डालूंगी, करीब 25 ग्राम करीब है। आप कैसा मीठा खाते हैं उस हिसाब से डाल लीजिएगा। ये सब मेवे जितने हैं वो हमने घी में भुना हुआ है, बहुत ज़्यादा घी में नहीं भुना है, थोड़ा थोड़ा घी डाल के भुना है। ये मखाना है जो मैं अभी दरदरा पीसूंगी और ये गोंद है, इसके बाद गोंद को दरदरा इसको भी पीसूंगी और ये मेरा मखाना जो मम्मी ने अभी पीसा है, इसके बाद मैं गोंद को भी थोड़ा दरदरा पीसूंगी और ये है गोंद जो हमने दरदरा पीस लिया है, अब इसे निकाल रही हूँ। ये खरबूजे के बीज है जो हमने थोड़ा दरदरा कर दिया है। अब सारे मेवों को एक में ऐड करेंगे। सारे ड्राई फ्रूट को हमने एक में मिक्स कर दिया है। अब मैं इस शक्कर को डालेंगे, आपको जैसा मीठा पसंद है उस तरह से मीठा डालिएगा और ये सोंठ और यह है सोंठ और छोटे इलायची का पाउडर एक चम्मच के करीब डाल देंगे। ये सारे ड्राई फ्रूट को एक में मिला लिया है और चूल्हे पे रख के 2 मिनट इसे चलाएंगे और उसके बाद मेरा ये गोंद का हलवा तैयार है। इसे आप 2-2 चम्मच छोटे बड़े जो भी हैं खा सकते हैं। ये मेरा गोंद का हलवा तैयार है। हम लोग तो ऐसे ही खाना पसंद करते हैं, अगर आप चाहें तो इसके लड्डू बना सकते हैं। ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।